इन टू डायमेंशन में भी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं बहुत बेसिक डिटेल में नहीं जाऊंगा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है और क्या क्यों होता है, मैं थोड़ा सा जस्ट आइडिया आपको दे देता हूँ। लाइक ये एक कोई फुटबॉलर है ना, ये कोई फुटबॉलर है और यहां से इसने कोई फुटबॉल को किक किया, तो ये फुटबॉल किक करी इसने, तो ये इस तरह से मोशन करेगी ऐसे, है ना। और ये अर्थ है, लेट सपोज ये अर्थ है, तो ये जो मोशन कर रही है, इस मोशन में आप साफ साफ देख रहे हो, अगर मैं इस प्लेन को दूं एक्स, इस एक्सिस को नाम दूं एक्स और इस एक्सिस को नाम दूं मैं वाई, तो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन हो रही है, और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर जो मोशन हो रही है, इस मोशन के अंदर केवल और केवल एक्सेलरेशन जो है वो एक काम कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन, मोशन किस में, इन प्लेन अंडर अंडर ग्रेविटेशन अलोन, अंडर ग्रेविटेशन अलोन। मतलब क्या हुआ इस चीज का मतलब ये हुआ कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, पर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से लगातार ऊपर गई और फिर लगातार कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन अंडर ग्रेविटेशनल अलोन, यानी कि वाई डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है, और वो कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्स डायरेक्शन में इसके पास एक कॉन्स्टेंट स्पीड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसका क्या है, जीरो है। पहली चीज ये हो गई। फिर जो पार्टिकल है जो भी, वो एक एंगल पर थ्रो किया गया है ना, उसको एक एंगल पर फेंका गया, तो एक पार्टिकल जिसको किसी एंगल पर थ्रो किया जाए और वो एक मोशन करे प्लेन के अंदर, मोशन करे एक प्लेन के अंदर जिस पर केवल और केवल एक एक्सेलरेशन काम कर रहा हो, और वो एक्सेलरेशन हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ऐसी जो मोशन है उसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसी जो मोशन है उसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो पार्टिकल जिसको थ्रो किया गया है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पर दो वेलोसिटी के टर्म्स काम कर रहे हैं, देयर आर टू वेलोसिटीज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। दो वेलोसिटी कंपोनेंट है जो पार्टिकल पर काम कर रहे हैं, एक तो कर रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और एक वेलोसिटी का पार्टिकल काम कर रहा है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट काम कर रहा है कहां पर, वाई डायरेक्शन में। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट काम करता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसकी वैल्यू फिक्स है, जो इनिशियली वैल्यू थी वही लास्ट तक भी आपको वैल्यू मिलेगी, आगे हम देखेंगे भी कि कैसे होता है वो। तो तीसरा पॉइंट क्या आता है, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रोली द मोशन। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी uniformly increases or decreases, या तो ये uniformly increase कर रहा है या decrease कर रहा है। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर जा रहा है uniformly पहले, फिर एक certain height तक जाके इसकी velocity zero हो जाएगी, फिर ये नीचे आ जाएगा। uniformly increment decrement का मतलब क्या हुआ कि यहाँ की height और यहाँ की height दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, है ना। जिस टाइम यहाँ पर जो हाइट होगी उसी टाइम सेम टाइम पर आते टाइम भी यहाँ पर सेम हाइट पर आपको ये मिलेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो ये तीन मेजरली कंपोनेंट्स है। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें अज्यूम कर जाती हैं, अजम्पशन, जैसे कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, फिर जो जी की वैल्यू है उसको यूनिफॉर्म माना जाता है थरोली, यानी कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, अर्थ का जो रोटेशन का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, इनको सिर्फ आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, क्यों होता है, आपसे कोई पूछने वाला तो है। एक प्रोजेक्टाइल का ये एक मैंने पिक्टोरियल व्यू बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक प्लेन लिया हुआ है, एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर ए पॉइंट है,
ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये ओरिजिन का काम कर रहा है, ओरिजिन बोले तो मूल बिंदु, ये है ओरिजिन और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0.0। यहां से मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को या किसी पार्टिकल को थ्रो किया, किस एंगल पर थ्रो किया, थीटा एंगल पर मैंने इसको थ्रो किया, ठीक है, किस एंगल पर थ्रो किया, थीटा एंगल पर। इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया यू एक्स और एक हो गया यू वाई। तो मैं यहां लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी यू, और इसके दो कंपोनेंट हो गए यू एक्स, यू एक्स की वैल्यू हो गई यू कॉस थीटा, और यू वाई इसकी वैल्यू हो गई यू साइन थीटा। यहां तक क्लियर है बात, बोलो भाई यहां तक क्लियर है? अब लेट सपोज कि किसी टाइम टी पर ये इस पॉइंट पी पर पहुंच गया, यहां पर है कोई पॉइंट पी, और किसी टाइम टी पर ये इस पॉइंट पी पर पहुंच जाता है जो कि एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ बीटा, हॉरिजेंटल के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो हमें किसी टाइम टी पर पी पॉइंट के ऊपर इसके कॉम्पोनेंट्स निकालने हैं वेलोसिटी के, है ना। तो एट एनी टाइम टी और एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी, तो टी इंस्टेंट के ऊपर मेरे को इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालना है। तो वेलोसिटी के यहाँ दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी एक्स और एक होगा वी वाई। तो इसके लिए आपको न्यूटन्स इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसका आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट को लिखूँ, तो हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट को लिखूंगा मैं यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है। अब क्योंकि इंस्टेंट यहां पर वी है, वी, और वी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है एट इंस्टेंट टी, इंस्टेंट टी वी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वी कॉस बीटा, और वी वाई जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, वी साइन बीटा। तो यहां पर मैंने क्या करा इस इक्वेशन में, ये जो वी एक्स है इस वी एक्स की जगह लिख दिया मैंने वी कॉस बीटा, ओके। यू एक्स की जगह हमारे पास पहली वैल्यू थी और वो क्या वैल्यू थी, यू कॉस थीटा। सिंस मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया कि हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये हो गया जीरो और इंटू टी। तो यहां से मेरे को ये पता लग रहा है कि वी कॉस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, यू कॉस थीटा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी का है वो थ्रोली, यानी कि थ्रो आउट द मोशन, वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट थोरोली। ये पूरी मोशन में क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब मेरे को निकालना है वर्टिकल कॉम्पोनेंट, ये कौन सा हो गया, हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट। नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वर्टिकल कॉम्पोनेंट, तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट वी वाई इजक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई और टी। नाउ वी वाई जो है उसकी वैल्यू क्या है, वी वाई की वैल्यू है वी साइन बीटा, और यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, और ए वाई इजक्वल्स टू है जी माइनस का। तो ये कौन सा कॉम्पोनेंट हो गया, वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो गया, वी साइन बीटा इजक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। यहां से हमारे पास इसके वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई, और ये वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू से यहां से हमें साफ पता लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, फिर उसके बाद जब ये नीचे आएगा एक सर्टेन हाइट के बाद तो वापस से वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट मीन्स वर्टिकल कॉम्पोनेंट, इट मीन्स वर्टिकल कॉम्पोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द प्रोजेक्टाइल गोज अप, एज द प्रोजेक्टाइल गोज अप
इट इज बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, इट इज बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड। यहां तक क्लियर है चीजें? बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है? तो हमारे पास किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए। ये कंपोनेंट जो है ये कौन सा है, वी वाई। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, और यहां से वी कॉस बीटा इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। तो एट एनी इंस्टेंट टी, तो एट एनी इंस्टेंट टी, इंस्टेंट टी वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर और प्लस वी वाई स्क्वायर। और वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये है यू कॉस थीटा और आइदर वी कॉस बीटा, और वी वाई की वैल्यू आपके पास है यू साइन थीटा माइनस जी टी। इसको यहां पर वैल्यू रख के आप वैल्यू पुट करके और वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक कहानी तो ये हो गई। अब हमें निकालना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, हमें बात करनी है किसकी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए एक बार ये डायग्राम को देखो वापस से, इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें निकालना है, तो सबसे पहले मैं ये पाथ ले लेता हूं ए से पी, यानी कि हॉरिजेंटल पाथ जो चला है यहां से और यहां तक, इस पाथ के लिए मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं पहले। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी आप इसको बोल सकते हो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं हॉरिजेंटल मोशन चल रहा हूँ फ्रॉम ए टू पी, है ना, ये पॉइंट है जो वो पी हो गया, तो मैं ए से पी चल रहा हूँ हॉरिजेंटली। तो फ्रॉम ए टू पी, ए टू पी हॉरिजेंटल ऐसे मोशन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको न्यूटन सेकंड इक्वेशन जो है क्या थी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसका यूज करना पड़ेगा। तो हॉरिजेंटली चल रहे हो तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स और टी स्क्वायर। अब एक्स डायरेक्शन में चल रहे हो, लेट सपोज यहां से और इस पॉइंट पी तक आप आए हो एक्स डिस्टेंस, तो इसको आपने नाम दिया एक्स। यू एक्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट है हमारे पास, वो कितनी है यू कॉस थीटा और टी, और हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन है जीरो, तो यहां से एक्स इक्वल्स टू हो गया यू कॉस थीटा, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस वो चल लिया। और अगर हम t की वैल्यू निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, x ओवर u cos थीटा, कितनी हो जाएगी t की वैल्यू, x ओवर u cos थीटा। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन। वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है तो उसके लिए आपको a से p में एस वाई लगाना पड़ेगा। एस वाई किसके इक्वल होगा, यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई और टी स्क्वायर। नाउ एस वाई, y को आपने लिख दिया, एस वाई को y लिख दिया आपने, यहाँ पर इसको आपने सब्सटीट्यूट कर दिया y, यू वाई की वैल्यू आपके पास है और वो कितनी है u साइन थीटा। नाउ t की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट की और t की वैल्यू कितनी है, x ओवर u cos थीटा माइनस ay की जगह लिखोगे माइनस g, तो माइनस g, t की जगह अगेन आपने सब्सटीट्यूट कर दिया x अपॉन u cos थीटा, तो ये हो जाएगा x अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से u कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो इक्वेशन है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया टेन थीटा, तो y इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस, ये हमारे पास बना जी एक्स स्क्वायर ओवर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो तरीका है इसको लिखने का ये, है ना, एक ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये जो बनी है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री। एक तो है इसको लिखने का तरीका ये, दूसरा तरीका जो है इसको लिखने का वो क्या है कि यदि मैं इसमें ये चेंजेस कर दूं, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर ओवर
यहां लिख दिया मैंने 2u स्क्वायर cos थीटा, और यहां मल्टीप्लाई कर दिया नीचे sin थीटा से, और एक जो cos स्क्वायर थीटा था उसमें से मैंने एक cos थीटा को बाहर निकाल लिया, और जो ये g अभी ऊपर लिखा हुआ है इस g को मैं नीचे ले गया। ये जो g यहां पर लिखा हुआ है इस g को मैं नीचे ले गया यहां, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, आप इसको लिख सकते हो u स्क्वायर sin 2 थीटा, विच इज द वैल्यू ऑफ r, r मतलब रेंज, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा r की वैल्यू होती रेंज की। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन गया कुछ ऐसा, x tan थीटा माइनस x स्क्वायर ओवर r, और ये क्या हो गया tan थीटा। इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो यहां से मेरे को कॉमन दिख रहा है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा, और ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस x ओवर r, जहां r क्या है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, r जो है r वो क्या है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कि कहां तक वो जाएगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसका फॉर्मूला क्या था, जिसका फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, ये है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है इसको लिखने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आपने ऐसे लिख लिया x tan थीटा माइनस 1 माइनस x अपॉन r, एक आपने लिख लिया g x स्क्वायर ओवर 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है चीजें, यहां तक क्लियर है क्या, बोलो भाई यहां तक क्लियर है, तो फिर आगे चले। अब यहां तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, एक क्वेश्चन बता दो मेरे को, एक क्वेश्चन बता दोगे तो फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड whose equation of trajectory is given by y equals to ax minus bx square, where a and b are constant, ठीक है, फाइंड हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड हुज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, वे ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, फाइंड हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ऑप्शन को कुछ नहीं, चलो ऑप्शन में दे देता हूं तुम्हें। ऑप्शन ए है आर इक्वल्स टू बी ओवर ए, ऑप्शन बी है आर इक्वल्स टू ए ओवर बी, ऑप्शन सी है आर इक्वल्स टू ए बी, और ऑप्शन डी है नन। क्या आंसर आएगा बाय बी, हाँ ठीक है सही है। देखो हमें प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दी है, और ये प्रोजेक्टाइल है, ये इसकी मोशन हो गई यहाँ से, तो यहाँ 0,0 है और यहाँ है x,0, यानी कि y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमें इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन दी हुई है, ax माइनस bx स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट रेंज, रेंज अगर फाइंड आउट करनी है तो y को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज यहाँ पर होगी, x की वैल्यू हो जाएगी r और y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो y को आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे a, x की वैल्यू r माइनस ये हो जाएगा b r स्क्वायर, तो ये बनेगा a r इक्वल्स टू b r स्क्वायर, और फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r,
आर की वैल्यू हो जाएगी ए ओवर बी, आर की वैल्यू हो जाएगी ए ओवर बी विच इज द ऑप्शन बी, करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें, बस बेसिक आपको जो आपने पढ़ा है उसको यूज करना था, हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए विद वेलोसिटी यू रूट टू एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, विथ द हॉरिजेंटल it strikes the inclined plane PQ, the inclined plane PQ at right angle the velocity of the particle at the time of collision is option A है root 3 by 2 u, option B है u by 2, option C है 2 u upon root 3 और option D है u, ठीक है। इसका डायग्राम मैं बना देता हूं, डायग्राम जो गिवन है डायग्राम कुछ ऐसा है, ये पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है यहां से ए, ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है 45 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल, और ये है यू रूट टू, और ये हो गया पी, और ये क्यू, ये इंक्लाइंड है जिससे ये हिट कर रहा है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे करेंगे भाई? By which it hits the inclined plane. ये v वो velocity है जिससे कि ये इस inclined plane को hit करेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये hit कर रहा है ऐसे इसको। तो अगर यहाँ पर ये hit कर रहा है तो इस line को मैं आगे बढ़ाता हूँ ऐसे, और यहाँ से एक horizontal line ऐसे draw करता हूँ। तो ये angle अगर 60 का है तो ये angle भी 60 का होगा, ठीक है? ये angle अगर 60 है तो ये angle भी 60 होगा। That means कि ये जो angle बनेगा इस line को पीछे मैं अगर construct कर दूँ, पीछे draw कर दूँ, तो ये angle होगा 30 degree। अब हमने ये बात की है कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब यहाँ जो लिखा होगा यू रूट टू कॉस 45 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा वी कॉस 30 डिग्री, वी कॉस 30 डिग्री, और यू रूट टू कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 बाय रूट टू, और वी कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? रूट 3 बाय 2, है ना? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3 बाई 2 हो जाएगी। तो यहां से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, हमें वैल्यू चाहिए v की, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 2u अपॉन रूट 3। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया? सी ऑप्शन करेक्ट आ गया, 2u अपॉन रूट 3। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई यहां तक क्लियर है? ट्रेजेक्ट्री की। अब मैं बात करूं यदि टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा, फिर भी नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा उसको हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल्स टू होता है टी वन प्लस टी टू, एंड टी वन टी टू इक्वल्स टू होता है टी, टी वन टी टू इक्वल्स टू होता है टी। तो अगर मैं वर्टिकल मोशन के लिए बात करूं, यानी कि अगर मैं निकालूं वी वाई मैक्सिमम हाइट पर यू वाई माइनस जी टी, तो एट मैक्सिमम हाइट पर जब वो प्रोजेक्टाइल पहुंच जाएगा तो वहां पर उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हो जाएगा जीरो,
और केवल उसके पास एक कंपोनेंट बचेगा जो कि होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो यहां से अगर मैं टी वन की बात कर रहा हूँ टाइम ऑफ एसेंट, टी वन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यू वाई बाय जी, और यू वाई की वैल्यू आएगी यू साइन थीटा और अपॉन जी, ये टी वन हो गया। सिंस टी वन टी टू सेम होंगे तो टी टू की वैल्यू भी कितनी होगी यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी टू यू साइन थीटा ओवर जी। तो ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें से ये वाला जो टाइम है इनिशियल टी वन, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ एक्सेंट ऊपर जाने का टाइम, और ये होता है टाइम ऑफ रिसेंट नीचे आने का टाइम। और ये दोनों टाइम इक्वल है, यानी कि जितने टाइम में वो ऊपर जा रही है चीज उतने टाइम में वो कहाँ आ जाएगी नीचे आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट अगर मेरे को निकालनी है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी कौन सी, वी एस वाली, एस वाली एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट को हम मान लेते हैं एच, और वो टी वन टाइम में चला जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं कि वो टी वन टाइम में चला गया। तो ये टाइम हो गया टी वन माइनस हाफ जी, और ये हो गया टी वन स्क्वायर, ये हो गया u साइन थीटा, और t1 की वैल्यू आपने निकाली u साइन थीटा ओवर g माइनस हाफ g, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बन के आएगा एच मैक्स का, और वो फॉर्मूला कितना आएगा, वो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g। क्या फॉर्मूला आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। ठीक, अब अगर मेरे को निकालना है रेंज, हॉरिजेंटल रेंज निकालना है, क्या निकालनी है हॉरिजेंटल रेंज, कि वो हॉरिजेंटली कितना दूर जा रहा है उसको मेरे को निकालना है हॉरिजेंटल रेंज को। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा एस एक्स 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 इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स तो हो गया जीरो, ये तो खत्म। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू है आप लोगों ने लिखी हुई है वो कितनी है यू कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो टी आएगा टी, क्योंकि हॉरिजेंटल रेंज का मतलब है ये पूरी डिस्टेंस कवर कर गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा चल गया, यानी कि ऊपर भी जा चुका है और ये नीचे भी आ गया, तो पूरा टाइम है टी, टाइम पीरियड हो गया, और वो पूरा टाइम टी किसके बराबर है टू यू साइन थीटा ओवर जी। तो यहाँ पर ये टाइम हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये हो गया 2u sin थीटा ओवर g। 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल हो जाता है, sin 2 थीटा के। तो यहाँ से sx यानी कि रेंज की वैल्यू आ जाती है u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाता है, रेंज का फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है। एक प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने थ्रो किया यहां से यहां तक, इसकी जो वेलोसिटी है वो है u और इसका एंगल है थीटा, ठीक है। और एक प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी भी है u और जो इसका एंगल है वो है 90 माइनस थीटा, इसका एंगल है 90 माइनस थीटा। पहले के लिए अगर मैं निकालूं r1, पहले वाले के लिए, तो R1 की वैल्यू कितनी होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। और अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूं, और R2 की वैल्यू निकालता हूं तो u स्क्वायर साइन 2 और थीटा कितना हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ओवर g। तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है u स्क्वायर साइन, ये हो गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा का मतलब हो गया अगेन 2 थीटा साइन 2 थीटा ओवर। R1 R2 मेरे को मिल गए इक्वल, तो यहां से मेरे को क्या मिला R1 इक्वल्स टू मिला R2। यहां से मेरे को एक चीज जानने को मिल रही है कि यदि दो प्रोजेक्टाइल जिनकी वेलोसिटी सेम है, जिनकी वेलोसिटी सेम है, उनके एंगल्स का समेशन 90 डिग्री हो, या उन्हें इस तरह से एंगल पे थ्रो किया जाए कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो,
कैसे एंगल हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों का समेशन 90 डिग्री आ रहा हो, तो दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए जो रेंज है वो क्या होगी, सेम होगी। तो इफ टू प्रोजेक्टाइल्स, इफ टू प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जिन दोनों के बीच में 90 डिग्री का समूह है ना, देन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर बोथ द पार्टिकल्स विल बी सेम, बोथ द पार्टिकल्स विल बी सेम। तो दोनों प्रोजेक्टाइल्स की रेंज जो है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, दोनों प्रोजेक्टाइल्स की रेंज क्या होगी, सेम होगी। यहां तक क्लियर है बात? अ फुटबॉलर किक्स द फुटबॉल टू चेक हिज स्टेमिना विद वेलोसिटी 60√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 degree। Find velocity of football after 3 seconds। 3 सेकेंड के बाद फुटबॉल की वेलोसिटी क्या होगी बताओ। अ फुटबॉलर किक्स द फुटबॉल टू चेक हिज स्टेमिना विद वेलोसिटी 60√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 degree। फाइंड वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल आफ्टर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स के बाद फुटबॉलर जो फुटबॉल जो वेलोसिटी है फुटबॉल की वो क्या होगी वो बतानी है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वो दोनों यूज करना है आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकालना है और वर्टिकल भी निकालना है। तो एट एनी इंस्टेंट टी आप एक बार निकालोगे वी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यू कॉस 45 degree। U की वैल्यू कितनी है 60√2 और cos 45 यहाँ लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया 60। नाउ यू विल अप्लाई यू वाई किसके बराबर होगा, यू साइन 45 degree माइनस जी और टी। यू साइन 45 degree क्या आएगा, 60√2 साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, जी की वैल्यू 10 और कितने सेकंड बाद आपको चाहिए 3 सेकंड बाद। तो वी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, ये हो जाएगा 60 - 30 और यहां से आएगा 30। तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आएगी कितनी आएगी, 30। तो आपको निकालना है वी, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। एक हो गया 3600 और एक हो जाएगा 900, तो ये हो गया 4500। 4500 का मतलब हो गया, आंसर आ गया आपके पास 30√5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ रहा है क्या? चेक करो, ये वाला आंसर आर्ट है सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। उस सेकेंड पार्ट में हमें बोला है एंगल मेड बाय द हॉरिजेंटल। इस चीज का क्या मतलब हुआ, इस चीज का मतलब हुआ ये
कि अगर ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से थ्रो किया जा रहा है तो यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वी, ये हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रही है ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके दो कॉम्पोनेंट है, यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट है वी एक्स और एक कॉम्पोनेंट है वी वाई, वी वाई। तो टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वी वाई ओवर वी एक्स। तो टेन थीटा यहाँ से किसके इक्वल हो गया, वी वाई ओवर वी एक्स। तो टेन थीटा वी वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 30। वी वाई की वैल्यू हो गई 30, वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 60। तो यहाँ से आ गया 1/2। तो थीटा इक्वल्स टू हो गया टेन इनवर्स 1/2। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास टेन इनवर्स 1/2। क्लियर है यहाँ तक। टल टू हॉरिजेंटल, ये जो प्रोजेक्टाइल था वो हॉरिजेंटल टू हॉरिजेंटल था, ठीक है। ये जो केस था वो कौन सा था, हॉरिजेंटल टू हॉरिजेंटल, यानी कि हॉरिजेंटल से फेंका गया और हॉरिजेंटल पर आकर ही गिर गया, ये केस था ये। अब मैं बात करूंगा किसकी, प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सम हाइट, यानी कि आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हो और बिल्डिंग पर खड़े होकर आप पत्थर मार रहे हो, तो प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सम हाइट, फ्रॉम सम हाइट, यानी कि आप कह सकते हो वर्टिकल टू हॉरिजेंटल। वर्टिकल टू हॉरिजेंटल का केस ऐसा है कि आप किसी हाइट पर खड़े हो, तो ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, और आप यहां से एक हाइट ऊपर हो, वो हाइट लेट सपोज हाइट है वो h, वो h हाइट है जहां से आप ऊपर हो और आप यहाँ इस हाइट पर हो, यहाँ इस हाइट पर हो आप, और यहाँ से आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, और प्रोजेक्टाइल को जब आप फेंक रहे हो तो वही केस वही है कि ये इस तरह से आएगा ऐसे, ऐसे। तो यहाँ से हॉरिजेंटल रेंज हो गई आर, ये ठीक। जब ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई लेट सपोज यू, और यहाँ से एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया थीटा, तो ये ऐसे गया सीधा और ये इस तरह से गया, तो ये हो गया x डायरेक्शन, ये हो गया y डायरेक्शन, ये केस है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स जिनका हम यूज़ करेंगे, मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ सबसे पहले, तो यू एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी, कितनी रहेगी, u cos थीटा, वो सेम रहेगी, कितनी, u cos थीटा। यू वाई की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, u sin थीटा। एक हमारे पास जो एक्सेलरेशन है हॉरिजेंटल वो कितना रहेगा, जीरो। वर्टिकल एक्सेलरेशन रहेगा ए वाई इक्वल्स टू माइनस जी। एस एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, आर के। और जो एस वाई है, अब एस वाई की वैल्यू मैं यूज करूंगा माइनस एच। एस वाई की जो वैल्यू है वो मैं यूज करूंगा माइनस एच। यहां तक क्लियर है क्या, यानी कि जब हम हॉरिजेंटल टू हॉरिजेंटल करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो जीरो हो ना हो, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो क्यों नहीं ले, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लोगे तो वो चलेगा कैसे। अगर इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लियो, आप किसी चीज को थ्रो कर रहे हो, थ्रो करने का मतलब है आपने वेलोसिटी दे दी उसको, अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दी तो वो प्रोजेक्टाइल आगे जाएगा ही नहीं, वो तो कॉमन सेंस है। वो तो आप खुद सोचो ना, आपको एक बॉल फेंकनी है, आप ओरिजिन पर जाके खड़े हो जाओ, जब आपने इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही कर दी तो वो बॉल जाएगी कैसे, जाएगी नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसको देनी पड़ेगी। प्रोजेक्टाइल को अगर आगे चलाना है तो उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी तो वो आगे चलेगा ही नहीं। देखो भाई, आफ्टर फोर्स ही विल, आफ्टर फोर्स ही विल गेट सम वेलोसिटी, तो आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट पे तो नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट पर एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जीरो होगी।
ना, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे है, और वर्टिकल कंपोनेंट पे इस वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट पर वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो जीरो है। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है कि तुम कह रहे हो कि मैंने ऐसे फेंका, तो यहाँ से जो भी तुमने एक्सटर्नल फोर्स दिया वो केवल और केवल वर्टिकल मोशन में चल रहा है, और वर्टिकल मोशन में चल रहा है इसलिए वो ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पर जो ये केस बनाया मैंने, प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सम हाइट, प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सम हाइट जो मैंने ये केस बनाया है, इसमें मैंने ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं इस क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ तो एस एक्स इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये वही रहेगा, ए एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मेरे पास इक्वेशन वही बनेगी, यू एक्स इक्वल्स टू टी। अच्छा, दूसरी जो इक्वेशन बनेगी आर, आर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा और टी, ये मेरे पास आर की इक्वेशन हो गई। एस वाई की इक्वेशन जब बनाओगे तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा, वो क्या चेंज आएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और जो एस वाई है उसको आपने क्या लिखना है, माइनस एच लिखना है ना। आप यहां से खड़े होके नीचे देख रहे हो तो एस वाई की वैल्यू को आपने क्या लिखना है, माइनस एच। तो माइनस एच इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जब आपने हॉरिजेंटल टू हॉरिजेंटल चलाया था तो उस केस में वाई की वैल्यू जीरो हो रही थी, पर अब यहां पर वाई की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आएंगे, आर कॉमा माइनस एच कोऑर्डिनेट आएंगे। आप एक हाइट पर खड़े हो, हाइट के नीचे देख रहे हो, अब जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, आर कॉमा माइनस एच, इसलिए एस वाई की वैल्यू क्या हो गई, माइनस एच, और एस एक्स की वैल्यू क्या रही, आर रही। तो इसके अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट्स अब चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, करना ही नहीं है। हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो रेंज अगर पूछा जाए, और एक टाइम कि कितने टाइम में वो नीचे पहुँचेगा। तो वी कैन यूज दीज इक्वेशंस टू कैलकुलेट द रेंज एंड टाइम टेकन, कैलकुलेट द रेंज एंड टाइम टेकन। यदि मेरे को टाइम टेकन निकालना है और रेंज निकालनी है तो उस केस में मैं इस इक्वेशन का यूज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्टाइल को मैंने किसी एंगल पर फेंका है, मैं किसी हाइट पर खड़ा हुआ हूँ और इस हाइट पर खड़ा होकर भी मैं इसको एक एंगल पर फेंक रहा हूँ। यदि मैं इसको सीधा फेंक दूँ ऐसे, जैसे कि एक प्लेन बॉम्ब को गिराता है, ऐसे मैं इसको सीधा फेंक दूँ, तो मैं सीधा फेंक दूंगा तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। समझ रहे हो मेरी बात, अगर मैं इसको सीधा फेंक दूंगा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब यू एक्स बराबर कितना है, यू। अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन दे दूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं ये हाइट से और इसको ऐसा सीधा फेंक दूँ, यूँ तो सीधा फेंक दिया तो थीटा की वैल्यू हो गई जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो यू एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अभी ऐसा आएगा नीचे, ऐसा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वेलोसिटी के कोई कॉम्पोनेंट बन रहे होंगे, तो ये वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी वाई, और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा वी एक्स। अब इसके अगर आप कोऑर्डिनेट्स पकड़ते हो तो यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू, यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। जबकि इस केस के अंदर यू एक्स की वैल्यू कितनी थी, यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू कितनी थी, यू साइन थीटा। पर अब क्या हो गया है, यू एक्स इक्वल्स टू यू है और यू वाई की वैल्यू कितनी हो गई है, जीरो। ठीक है, ए एक्स स्टिल कितना है, जीरो है, और ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी है। ये जितनी भी इक्वेशन है इनमें अगर आप वैल्यू डालते हो तो एस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, यू एक्स इंटू टी, है ना, एस एक्स किसके इक्वल है, यू एक्स इंटू टी।
तो मैं मान लूं कि अगर ये हॉरिजेंटली x चलाए, कितना चलाए x, ये अगर x चलाए तो x इक्वल्स टू कितना आ गया u इंटू टी, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन u, t की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन u, sy कितना है u y इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए वाई टी स्क्वायर। अब एस वाई जो है उसकी वैल्यू को मैंने एस वाई रहने दिया, यू वाई हो गया जीरो, ये हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इतना हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप टी की वैल्यू लिखना चाहते हो, और टी की वैल्यू ना भी लिखो चलेगा, एच एस वाई की वैल्यू अगर मैं यहां से ले लेता हूं, ये वैल्यू को ले लूं मैं माइनस एच, ये एच ले लिया तो एस वाई की वैल्यू हो गई एच, तो यहां से एच की वैल्यू हो गई हाफ जी टी स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये हो गई, क्या हो गई हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ये आ गया कि कितनी हाइट तक वो नीचे जाएगा, यहां से हम क्या निकाल लेंगे टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लेंगे, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2h अपॉन g, ये टाइम आ गया, वो कितना दूर गया उसको निकालना है। तो यहां पर x की जो रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, r इक्वल्स टू u इंटू टी, यू और t की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे 2h अपॉन g, तो कितना दूर जाएगा यानी कि रेंज अगर हमें निकालनी है तो वो रेंज हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है?